statement is every K cell is a compact set. So after the definition of K cell, we will prove that every K cell is a compact set. Every K cell is a compact set, right? So what does it mean? Every K cell. अब देखो, for example, अभी हमने एक I1 R के लिए K cell निकालना, वो था close interval A to B, ठीक है? और आप prove कर चुके हैं close interval AB is always a compact set, is a compact set in R is to power K, is a compact set in R is to power K, right? So अब हम करेंगे, यहाँ पे जनरलाइज करेंगे. सबसे पहले हमने एक आई ले लिया. आई इज अ, हमने एक कॉम्पैक्ट सेट बनाया, X1, सॉरी एक के सेल बनाया. दिस इज अ के सेल पूरी डेफिनेशन के साथ, ए आई लेस देन और इक्वल टू एक्स आई लेस देन और इक्वल टू बी आई, ठीक है जी. और आपको पता है इट इज रनिंग फ्रॉम 1 to K. ये हमने ले लिया के सेल, राइट. सो लेट एक्स इज इक्वल टू, हमने दो वेक्टर्स उठाए इसमें, x is equal to x1, x2, xk, एक ही वेक्टर लिया और एक वेक्टर उठाया y is equal to y1, y2, yk, right? भी any two members, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये i में आ रहे हैं, ठीक है. और डेफिनेटली बेटा जो मेंबर्स हैं i में आएंगे, उनके जो हर वेक्टर हैं वो ai bi के अंदर लाई करेंगे. इसका मतलब ai less than or equal to xi less than or equal to bi है, एंड ai less than or equal to yi less than or equal to bi, राइट. अब इन दो वेक्टर्स की हम लेंथ निकालेंगे. आपको पता है यूक्लिडियन स्पेस में आप लेंथ निकाल चुके हैं. दिस इज डिफाइंड एज समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to K xi माइनस yi इट स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2. दिस इज द लेंथ ऑफ द टू वेक्टर्स इन द मैट्रिक्स स्पेस R रेज टू पावर, राइट. सो अब अगर दो वेक्टर, आई एम कंटिन्यूइंग द सेम, अगर दो वेक्टर्स जो हैं xi yi, xi और yi, ठीक है, ये किस में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं क्लोज इंटरवल ai bi में, फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 to सोन अप टू a. इट इंप्लाइज बेटा, अगर देखो अब ये आपके सामने है, ये ai है, ये bi है, ठीक है, ये xi है, ये yi है, इसके बीच में लाई करें, या इसके बराबर होंगे या इसके बीच में होंगे, ठीक है. तो इनका जो डिफरेंस है बेटा वो छोटा है, और इनका डिफरेंस क्या है, बड़ा है. सो वही यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. देन xi माइनस yi स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू bi माइनस ai होल स्क्वायर फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 to 3 सोन अप टू k, ठीक है. तो इट इंप्लाइज दोनों तरफ समेशन ले लेंगे, समेशन सम अप कर देंगे सारी वैल्यूज को. xi माइनस yi होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to K bi माइनस ai होल स्क्वायर, ठीक है जी. अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है, इनके ऊपर पावर 1/2 ले लो, इधर भी पावर क्या ले लो, 1/2. ये कौन है, इसका नाम क्या है, x माइनस y, राइट. इसका नाम अभी आपने पीछे इसको एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, मॉड ऑफ x माइनस, ये अब एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ये जितने भी bi's हैं उनकी लेंथ का सम अप किया है. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लेस देन और इक्वल टू डेल्टा, और डेल्टा हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे कि जितने भी आपके पास इंटरवल्स है उनकी लेंथ को आपने क्या कर दिया है, एड कर दिया है, ठीक है, एड करके उनका स्क्वायर रूट लिया है, राइट. और डेफिनेटली डेल्टा इज ग्रेटर देन. So, ये छोटा सा एक पॉइंट जो था, जो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को करने से पहले एक्सप्लेन करना है. लेकिन प्रूव क्या करना है, हमने ये जो मैंने के सेल सबसे पहले आई डिफाइन किया, जिसका नाम क्या था, के सेल. क्वेश्चन यही है कि ये के सेल क्या प्रूव करना है, कॉम्पैक्ट. कल भी हमने ऐसे ही कॉम्पैक्टनेस प्रूव की थी, और हमने मान के चले थे लेट इट नॉट बी अ कॉम्पैक्ट सेट, राइट. सो लेट इफ पॉसिबल I be not a compact set. जो K cell है वो compact set नहीं है in R is to power K. इसका मतलब उसका एक open cover होगा. यहाँ उन्होंने G type का एक cover लिया है, G alpha, alpha belongs to lambda. ये एक open cover है किसका, of I, which has no finite sub cover. इसका मतलब इसका एक which has no finite sub cover, okay?
है, इसका एक सब कवर नहीं है, विच हैज नो फाइनाइट सब कवर। अब उसी तरह आप देखो बेटा, उसी तरह से चलना है आपने। ये देखिए, ये ए आई बी आई था यहाँ पे, अब कल कल वाला फिर हम बाइसेक्शन करेंगे। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया ए आई प्लस बी आई डिवाइडेड बाई टू और इसका नाम क्या रख दिया, सी आई। तो अगर ये कवर नहीं हो रहा, इसका मतलब इन दोनों में से एक पोर्शन ऐसा है जो कवर नहीं हो रहा। सो देयर फोर द इंटरवल्स, अब देयर फोर द इंटरवल्स, दो इंटरवल्स बन गए, वन इज ए आई टू सी आई, ठीक है जी, एंड सी आई टू बी आई। ये जो इंटरवल्स हैं, दे विल गिव राइज टू टू रेज टू पावर के सब इंटरवल, सब रेक्टेंगल्स, टू रेज टू पावर के सब रेक्टेंगल्स जो हैं, ये बना रहे हैं, हूज यूनियन इज आई। तो व्हाट डज इट मीन, ये टू रेज टू पावर के सब रेक्टेंगल्स कैसे बने, जस्ट सी। देखो, जब मैं एक रियल लाइन की बात करती हूँ, ठीक है, रियल लाइन में जो केस सेल है वो कौन था, कौन था रियल लाइन में केस सेल, क्लोज इंटरवल, दिस वन। जब आपने उसकी बाइसेक्शन कर दी बेटा, तो ये दो इंटरवल्स में बदल गया, यानी एक इंटरवल दो इंटरवल्स में बदल गया, ठीक है। जब ये टू डायमेंशन में था, व्हेन इट विल बी इन द टू डायमेंशन, यही था ना आपके पास, दिस वन, ये आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल था, ठीक है। अब इसका मतलब जब ये कवर नहीं हो रहा है, इफ इट इज नॉट कवर्ड, तो आप इसको जब इसकी बाइसेक्शन करेंगे, ये बाइसेक्शन हो गई, बाइसेक्शन हो गई इसकी, ये एक रेक्टेंगल कितने में बदल गया, फोर रेक्टेंगल्स में बदल गया, क्योंकि ये डायमेंशन ही कितनी चल रही थी आपकी, टू डायमेंशन ऑल, इसमें डायमेंशन वन थी, ठीक है, तो ये दो इंटरवल्स में बदला। अब डायमेंशन ही क्या है, टू है, अब ये कितने रेक्टेंगल्स में बदल गया, फोर रेक्टेंगल्स में। तो अब यहाँ पे जब आप ये देखो, ये अगर आपका ए आई बी आई चल रहा था यहाँ पे, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये चार रेक्टेंगल्स में बदल जाएगा, जब तीन डायमेंशन की बात करेंगे तो ये आठ रेक्टेंगल्स में बदल जाएगा। तो दैट्स व्हाई दे हैव रिटन कि जो इंटरवल्स आपके पास आ रहे हैं बाइसेक्शन करने के बाद, द वन इज ए आई सी आई एंड द अदर इज सी आई एंड सी आई, दैट गिव राइज टू कितने रेक्टेंगल्स, टू रेज टू पावर के सब रेक्टेंगल्स, ठीक है। सो हूज यूनियन इज, इन सबको ऐड करो, ये इन सबकी यूनियन ले लो, ये कौन है, ये के सेल है, के सेल किस में है, आर एस टू पावर टू, तो यही उन्होंने कहा, ठीक है जी। सो अगर हम कह रहे हैं कि सेल कॉम्पैक्ट नहीं है, तो इन चारों में से कम एक ऐसा होगा विच इज नॉट कवर्ड बाय द फाइनाइट सब कलेक्शन। अब मैं मान लूं इसमें से अगर मैं वन डायमेंशन की बात कर रही हूं तो ये कवर नहीं होता, अगर मैं टू